जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली आप सभी को बता है कि बहुत सारे लोग, आपने ये फोटो देखी होगी, इसमें हम नहीं दिख रहे हैं। इन स्पेशली आप सभी को बताया कि इसमें कौन नहीं दिख रहा है, कौन दिख रहा है। इन्होंने एक चीज भी लिखी है कि 50 बच्चे गिरफ्तार दिल्ली आंदोलन। पहले बात हो कि आपकी जानकारी गलत है, 50 नहीं 100 बच्चे गिरफ्तार हुए थे, उनके साथ में हम गिरफ्तार थे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर संचालक एक क्यों नहीं हुए, ये सब एक जगह हो गए तो दो एक क्यों नहीं हुए। वो दो को क्या जा रहा है मिलने में, दो को कुछ नहीं जा रहा मिलने में। उसका रीजन अभी क्लियर करता हूं मैं कि जिसने अपनी मां का दूध पिया ना वो बताएगा, अब वापस इस बात का जवाब देगा मेरे को यूट्यूब पे क्यों एक नहीं हुए। उसका मैं अभी खोलता हूं खुलासा, क्योंकि मैं बीजी था, आपको भी पता है हम वहां पे अंदर गिरफ्तार हो गए तो लोग पीछे से बोलने लगे वो तो खुद गिरफ्तार हो गए। अरे हाँ, खुद हो गए बच्चों के लिए। अब कैसे गिरफ्तार हुए थे हम, हमको कहीं से पकड़ा नहीं गया था, हम बच्चों के लिए गए थे थाने में और जानबूझ के गए थे खुद से कि अगर बच्चे जहां रहेंगे हम वहीं, गद्दारी नहीं है खून में। हम भगत सिंह के चले के मैं लिख रहा हूं अंजाम, जिसका कल आगाज आएगा मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे मरने के बाद वतन पर मिटने वालों का सैलाब आएगा। किसने क्या किया, किसने केवल बोलबाजी की है, फालतू की बकचोद की है, और किसने रियल ग्राउंड में काम किया है, मैं बताता हूं क्यों नहीं गए। सबसे पहले आप देखिए, इन्होंने बोले 50 बच्चे गिरफ्तार। में जानकारी के लिए बता दूं, 97 यानी 97 बच्चों की हमने जमानत दी है कि अगर ये 97 बच्चे दिल्ली में कुछ भी प्रॉब्लम करता है या इनके द्वारा कोई भी हादसा या कुछ भी होता है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। वो शख्स कौन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, मैं ये नहीं बोलता मैं अकेला हूं, वो शख्स कौन है वो भी दिखाएंगे साथ में, ठीक है। केवल भाषणबाजी से नहीं होता, हमने बोला था कि हम जंतर मंतर पे मिलेंगे तो बिल्कुल मिले, और हमारी आवाज पूरी जोर शोर से मीडिया में गई कि हम गिरफ्तार हुए हैं, इतने बच्चे गिरफ्तार हुए हैं, और किसने ये बात भी। और 97 में से रात को 12 बजे जब तुम ट्रेनों में जा रहे थे, गाड़ियों में जा रहे थे ना, उस समय मैंने बच्चों को छुड़ाया है थाने से, ठीक है। एक बच्चे पे 97 पहले एक बच्चा लास्ट में, 98 में से किसी एक भी बच्चे पे अगर FIR हुई हो तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। नीचे कमेंट में बता दे अपना FIR नंबर, उसकी 100% की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, एक भी बच्चे की नहीं होने दी। क्यों, अगर हम भाग जाते तो 100% बच्चों के नाम होती, क्यों, क्योंकि पुलिस को कोई ना कोई चाहिए, अगर करना हुआ है प्रदर्शन अगर हुआ है परमिशन के बिना तो उनको कुछ ना कुछ कैंडिडेट चाहिए, तो हमने अपने स्वैच्छिक नाम दिए कि हाँ हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो जानकारी प्रभु 50 नहीं 100 थे, 98 और 6 हम लोग, तो हो गए 104। आगे की देखो भाई, शुरू से दिखाता हूं शामिल क्यों नहीं हुए। ये वीडियो आपको देखना है, शामिल क्यों नहीं हुए, उसके पीछे का राज ये है, उसके पीछे का राज। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और दिखा दूं आपको, ये देखो जंतर मंतर पे मैं हूं जितेंद्र पेरवाल, जानते होंगे शायद आप सुखद भी, ये जंतर मंतर का सीन है। हम स्वैच्छिक अपनी मर्जी से बच्चों के लिए गए, हमारे सामने बच्चों की गाड़ी भरी गई थी, उसी गाड़ी में जाके हम गए। ये देखो यहां पर हमने जो CRPF के जवान उनको बोला कि भाई उन बच्चों को छोड़ दो, और 20 बच्चों को यहां से छुड़वाया भी हमने कि यार इनको छोड़ दो सर हमको ले लो। 20 बच्चे थे उस गाड़ी में, उसकी बताऊंगा देखना। ये रही वो बस, ये देखो ये शख्स, इसका नाम विराट चौधरी है जो ये दिख रहा है ना यहां बैठा, और ये बच्चे थे 20 जिनको हमने छुड़वाया है, ये दिल्ली पुलिस की बस थी। अब यहां ये सीन सुनिए, पहले आगे चलते हैं आपको दिखाते हैं, हाँ इस पे आ जाइए भाई। ये सीन ये बोले कि विरार सर और ये तो निकल गए बच्चों को अंदर छोड़ के, नहीं, इस समय शाम को 6 बजे हमको बोला कि आप जाओ बच्चों को छोड़ देंगे, हम बोले हम नहीं जाएंगे, तो कहा फिर आप पहले थाने चलो और लेके आओ। तो पहले बच्चों को आश्वासन दिया कि बेटे हम 2 मिनट में आप सबकी पूरी कार्रवाई करके आते हैं, लिख के आते हैं, तब तक आपको छुड़वाएंगे। वो भी देखिए कैसे छुड़वाया इन बच्चों को, ये 97 बच्चे हैं। ये देखो ये समय पहले बच्चों के पास में गए, हम बोले पहले बच्चों से मिलेंगे, बच्चों को जाके आश्वासन दिया कि बेटा हमको आपकी जमानत लिखनी पड़ेगी, पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और उसके बाद में हम सदर जो संसद के पास में जो थाना है वहां पर रात को 9 बजे तक बैठे रहे हैं। एसपी साहब ने स्पेशल हमको जमानत तक रोका वहां पर,
वो भी हमारे पास में एफआईआर हुई, उसकी बोले एफआईआर नहीं, एफआईआर हो रखी हमारे ऊपर 144 और 188 के तहत, वो दोनों बताएंगे अभी आपको, उसका भी प्रूफ देंगे और कोर्ट में पेशी पे भी जाएंगे, बच्चों के लिए जान दे सकते हैं, नहीं तो हम भग जाते रात में वहां पर जहां पर तुम थे, लेकिन ऐसा नहीं किया, इनको छोड़ा नहीं, इनके साथ थे, छोड़ा नहीं इनके साथ थे, और ना कभी जिंदगी में साथ छोड़ेंगे, भले हमको लोग गलत बोले सही बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको पता हमने क्या किया, हमने किसी बच्चे को गलत नहीं बहकाया, बच्चों के साथ दिया, बच्चों को बोला किसी बच्चे पे लाठी पड़ेगी तो पहली लाठी हमारे पे होगी, अगर हमारे पे पड़ेगी उसके बाद में हम क्षमा चाहते जान भी दे देंगे, लेकिन बच्चों के पहले हमारे से पहले हाथ नहीं आने देंगे और नहीं आने दी, एक भी बच्चे पे अगर किसी पे एफआईआर हुई तो प्रूफ दिखा देना मेरे को, ये इस समय हम बच्चों को ब्रीफ कर रहे थे, ठीक है, इन बच्चों को पूरा ब्रीफ करके, और इस समय हम वापस जा रहे थे कहां पर, ये हम बाहर नहीं जा रहे थे, लोगों ने बोला ये तो यहां से बाहर, बाहर नहीं, यहां से हम थाना ऑफिस गए, संसद भवन के जो थाना मेन, उस थाने में, ये देखो यहां से हम जब निकले उसके बाद में की बताता हूं क्यों शामिल नहीं हुए, ये देखो यहां से बच्चों को लास्ट तक की, हम दो मिनट में आ रहे, मेरी उंगलियां देख लेना कि बेटा दो मिनट में आ रहे, हम खुद आपको छोड़ेंगे, कहां से वो वीडियो भी देख लेना, हमने बोला आपको खाना पीना सब कुछ छोड़ेंगे, जहां पर आप जाओगे वहां पर छोड़ेंगे, हम ऐसे आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ये देखो दो मिनट में बोला, दो मिनट में आ रहे, बस सरदार जी भी थे सैनिक डिफेंस से हैं, और जो अब यहां से जिस गाड़ी में मैं बैठ रहा हूं ना, लोगों ने बोला तुम तो गाड़ी में बैठ गए, बच्चे जेल में, ये गाड़ी मेरी नहीं है, पुलिस की है यार, इसमें बैठा के हमको लेके गए थे वहां संसद थाने में, वहां लिख के आनी पड़ी हमको अपने हाथों से कि हाँ इन इन बच्चों की जिम्मेदारी हमारी है, देखो ये बत्ती, अब ये बच्चे है ना, ये इन्होंने यहां पर जब इनको छोड़ा तो उस समय इन्होंने बोला कि हमारे गुरुजी को भी छोड़ो, मीडिया को, इनके भी वीडियो भेज दिया मैंने यूट्यूब पे, अब बताता हूं, ये है मेन माजरा जिसके कारण हम नहीं मिले थे, ये बोले थे ना क्यों नहीं गए वहां मुखर्जी नगर, इसलिए नहीं गए, देखो क्या लिख रखा इसने भड़वे ने, मैं बोलता हूं क्या लिख रखा, जो लोग स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं उनका कोई सहयोग करना चाहता है तो इस बार कोर्ट पर पैसे भेजें, ये मुखर्जी नगर वाला संदीप फौजी, तो हम कहां से भेजोगे तुम पैसे, तीन तीन साल से तुमसे वैकेंसी नहीं आई है, तुम्हारे पास में पढ़ने तक के पैसे नहीं है, तुम कहां से आंदोलन करोगे पैसे भेज के, तो हमको ये पैसे नहीं चाहिए, हमको ये बदनामी नहीं चाहिए, इसलिए बोलेंगे बोले ना हमारे पास में यहां सब व्यवस्था है, तो क्या व्यवस्था है, ये बार कोड जारी किया इन्होंने अभी 52 मिनट पहले, ये असलियत इसकी, और प्रभु आप इस बार कोड का मुझे आंसर देना कि ये बार कोड आपका भी इसमें शामिल है क्या, बार कोड या किसका शामिल है प्रभु, आप भी बता देना, ये तो प्रभु है ना, आप भी बताना प्रभु कि ये बार कोड आपने बनवाया क्या, बच्चों से चंदा मांग रहे हो तुम, जो स्टूडेंट की मदद करना चाहता है, हमको पहले से बताती ये बातें, इसलिए हम इनके साथ में नहीं मिले, क्योंकि हमको पैसे नहीं चाहिए, ऊपर वाले का क्रम है हमारे पास में, हम मेहनत करते हैं कमा खाते हैं, और बच्चे के लगाए हैं हमने, बच्चों के दो पैसे लगाए हैं, लिए नहीं किसी बच्चे से, बच्चों को खाना खिलाया है, मांगे नहीं है जो पैसे, बार कोड नहीं दिया हमने, ये असलियत है, अभी आप जाके चैनल ना डिलीट कर देगा अब तो, लेकिन ये देख लो, इसलिए नहीं मिले हम इनके साथ, ये है सच्चाई, अब अगर हजम होती है तो हजम कर लेना, हमने हम गिरफ्तार हुए, हमारे ऊपर एफआईआर हुई, अब इससे ज्यादा तो हमारे ऐसा है कि हमारे ऊपर फांसी हो जाए ना, उस दिन बोलते ना ये तो अपनी मर्जी से फांसी लगा लिए हैं, इनको कानून व्यवस्था ने थोड़ा ना फांसी दिए, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं भाई, अगर बच्चे पकड़े गए हम जाके सरेंडर हो गए कि भाई सर बच्चों की गलती नहीं है हमारी गलती है, इससे ज्यादा क्या करेंगे, आंदोलन हम हमारे लिए तो नहीं कर रहे थे, बच्चों के लिए कर रहे थे, बोले अरे क्यों नहीं जाते थे, तुम बोलते तुम गए नहीं हमारे लिए, नहीं हमारे लिए लाठियां नहीं खाई हमारे लिए, मरे नहीं हमारे लिए, तो मर ही जाते हैं तुम्हारे लिए, इनके साथ में नहीं मिलेंगे, एक बार नहीं हजार बार गाली देना, लेकिन ऐसे लोगों के साथ में नहीं मिलेंगे, ये बार कोड देखे, ये बना दिया संयुक्त मोर्चा, घंटे का मोर्चा तुम्हारा, बार कोड जारी किया, जिसने लड़ाई की थी उनमें से रामदेव ने कोई दिया तुमको काउंट नंबर, वो भी तो 400 किलोमीटर पैदल चले थे, इंदौर वाले सर ने दिया तुमको, पेरवाल सर ने दिया तुमको कोई बार कोड कि यहां पर पैसे डालो हमको, या मैंने दिया कोई, सरदार जी ने दिया कोई, वो भगवान सिंह जी उन्होंने दिया कोई, कोई दिया किसी ने बार कोड,
वहां 2 पैसे लगाने के लिए गए थे कि चलो कोई बात नहीं, हमसे व्यवस्था जितनी होगी। हमने सीधा बोला था कि गुरुद्वारे में खाना खाओ आप, हमने बात की गुरुद्वारों से जाके, उन्होंने बोला कि बिल्कुल लंगर चल रही है, आप कितने बच्चे भेजो, खाना मिलेगा उनको दफाओ, कोई टेंशन नहीं है। अपने हक की लड़ाई दूसरों की रोटी खा के नहीं होती, जिसकी खाए बाजरी उसकी बजाय हाजरी, इसलिए शामिल नहीं हुए थे बेटा। अब आपको हम गलत लगते हैं तो हम गलत, सही सही लगते हैं तो सही सही, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हम आपके लिए, हमने कभी इससे पहले जिंदगी में जेल नहीं देखी, आपके लिए देख ली, ठीक है, हमने जेल नहीं देखी इससे पहले, हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, हमने आपके लिए देख ली, हम कोर्ट भी कभी नहीं गए, आपके लिए जाएंगे, पेशियों पे जाएंगे ही ना, और हमको पनिश होगा। अगर कोर्ट ने हमारे ऊपर 100 रुपए का भी जुर्माना दिया तो उसके बाद में जिन जिन पे हुआ कोई भी सरकारी काम कर्मचारी नहीं बन सकता। मान लो आप बोलोगे आपको सर बनना नहीं, बिल्कुल जिंदगी का कोई पता नहीं कब बनना पड़ जाए, लेकिन किसी बच्चे की आसानी नहीं थी, और यही वादा था कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, बुजदिल समझ इनको, लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौत समा मरने का, किसको खोप यहां रे तलवार, तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। ये 5 नहीं 50 भी हो जाएंगे ना तो भी हम सच्चाई का साथ देंगे, और सच्चाई का यह प्रताड़ित हो सकती है पराजित नहीं। और ये आपको सबूत मिल गया, अभी 52 मिनट पहले इसने डाला है, ठीक है, और ये बहुत पहले से डाल रहा है ये चीज। अब हमको बता बेटा, आप इन लोगों को नहीं जानते, एक फूटी कोड़ी मत देना, 5 गालियां दो यहां पर, गालियां दो उसको, फूटी कोड़ियां भीख मांग ले ऐसे, लड़ेगा हक की लड़ाई, जो लड़ेगा ना, जिसको अपने हक की लड़ाई लड़नी है। खाने पीने की व्यवस्था है, वहां कोई बरात में नहीं आए हो, अपने लिए लड़ने आए हो, और हम आपके लिए आए हैं, तो आप हमको कैसे ब्लेम कर सकते हो भाई, हमको नौकरी नहीं लगनी, हम आपके लिए आए हैं। और अकेडमी आंदोलन करने से नहीं चलेगी, जिसके गलत में अकेडमी चलेगी सिलेक्शन से, 40 सिलेक्शन दिए SSGD में, 40 बच्चे पास हुए हमारे, तो चलेगी, तो पेरेंट्स लाएंगे अपने बच्चों को कि हाँ ये बदला मेहनत कराता है, हमारे बच्चे इसके पास में पढ़ेंगे। आंदोलन में जयकारे लगाऊंगा तो नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे लिए लड़ा, क्यों कि भाई बच्चों के लिए अगर हम आगे नहीं आएंगे तो कौन आएगा। और अगर सुनो इनके पास में इतना था तो फिर प्रभु जंतर मंतर पे बच्चे कैसे इकट्ठे हुए 5,000, यहां पर तो 5 बच्चे भी ना है, क्योंकि बच्चों को पता है कौन सच्चा है और कौन झूठा। जय हिंद, जवाहर।